हल्द्वानी में कालाढूंगी रोड से कमलवा गांजा, ऊंचा पुल, कटघरिया और लामाचौड़ रूट पर चलने वाले ऑटो चालकों द्वारा किराया बढ़ाने को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। कोई चालक यात्रियों से पुराना किराया ही ले रहा है तो कई चालक नया किराया ले रहे हैं। ऑटो चालकों का कहना है कि अधिकतम किराया 5 रुपए ही बढ़ाया गया है, जो कि जरूरी है। महंगाई के इस दौर में हर चीज महंगी है। वाहन की सर्विसिंग के अलावा टैक्स आदि सभी चीजों में वृद्धि हुई है, जिससे किराया बढ़ाना मजबूरी है। वहीं हमने तमाम यात्रियों और ऑटो चालकों से बात की, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसा किराया बढ़ने से साथ मतलब आम आदमी पे नहीं कर सकता है, मतलब 10 रुपये का 15 रुपये हो गया, 5 रुपये कहाँ से लाएगा आदमी। महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है तो इसलिए फर्क पड़ेगा। मेरा मोहन सिंह गुलियाल, मेरे हिसाब से किराया तो नहीं बढ़ना चाहिए। जिस हिसाब से एक हिसाब से मेरा ये ऑटो में बैठना और यहाँ पे इतने भर भर के ले जाते हैं, तो ये भी नहीं ले जाने चाहिए इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे लेडीज भी बैठे रहते हैं और वैसे जेंट्स भी ले जाते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। और फिर उसके बाद ही किराया भी बहुत ज़्यादा, अभी हम आए थे तो अभी हमसे भी बहुत ज़्यादा लिया था इन्होंने, ये भी नहीं लेना चाहिए। किसी से कम ले रहे, किसी से ज़्यादा, जो कि हम बैठे वहाँ से ही उतने में लड़ाई भी बहुत करते हैं। पहले चाहे कोई भी है, हम इनके साथ हम यहाँ पे आ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, इनको प्यार से बात करना चाहिए ना। हम एक हिसाब से कस्टमर वही तो है इनके, तो प्यार से इनको बात करनी आती भी नहीं है, पहली बात। और किराया बहुत उल्टा मांगते हैं, लड़ाई करते हैं, जहाँ पे जगह पे छोड़ना होता है वहाँ से, अगर किसी चीज़ की मजबूरी नहीं देखते, ये कहते हैं अगर थोड़ा आगे जाना हो तो ये नहीं सोचते कि उसकी मजबूरी है, कोई लेडीज बैठी है उसकी मजबूरी है, ये नहीं सोचेंगे, आगे जाने के दुगने पैसे मांग लेते हैं, ये गलत है ना। तो ये नहीं करना चाहिए इन्हें, कुछ किसी की मजबूरी देख के कोई आगे जा रहा है ठीक है छोड़ देते हैं, ये तो सोचना चाहिए। लगातार महंगाई की मार पड़ रही है, आखिर गरीब इंसान कहाँ से कमा के लाएगा, वो भी तो सोचना चाहिए। ठीक है कोई बड़े इंसान है वो करेंगे, कहीं ना कहीं से करेंगे, बेचारा एक मजदूर क्या कर पाएगा, वो कहाँ से लेके आएगा। नॉर्मली हैं सब, मिडिल क्लास फैमिली के ही हैं सब, कैसे ना कैसे अपने बच्चों को सब पाल ही रहे हैं, यहाँ से कैसे करेंगे सब। मेरे हिसाब से ये 30 रुपये वहाँ तक के सही हैं, वैसे तो ज़्यादा होने भी नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ही ले रहे थे, अगर ये 40-50 तक भी कह दे रहे हैं, और मजबूरी का फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं ये लोग, ये है मेरा। आपका नाम? मेरा नाम भूमिका गबडोना। देखिए 5-6 रुपये बढ़ा है ऐसा तो है नहीं, इतना ज़्यादा बढ़ा है। लोग कह रहे हैं 50% बढ़ा है, तो 50% बढ़ा कैसे, ये देखे ना, 10 रुपये जो किराया था वहाँ पे 15 रुपये किराया हुआ है उनका, अभी 50% अब तक जोड़ने में तो 50% ही आ रहा है, लेकिन 5 रुपये इसलिए बढ़ाया है। देखिए हर चीज़ महंगी है, इंश्योरेंस कराते हैं 10,000 रुपये का इंश्योरेंस है, 10,000 रुपये से नीचे इंश्योरेंस होता नहीं है। टैक्सी देख लो 2500 रुपये कुछ का है, बाकी गाड़ी की कोई भी पार्ट्स देख लो, कोई भी चीज़ ले लो, हर चीज़ महंगा है। तो अगले दिन जो महंगा हो जाए, सामान हम कोई भी ले रहे हैं सस्ता तो कोई चीज़ है नहीं, कभी भी कोई टैक्स 3 या 4 साल तो किराया पहले बढ़ा हुआ था, उससे टाइम का किराया बढ़ा का है, कहां बढ़ा, नहीं तो ये किराया तो हर रोड मेरा मन हो गया नैनता रोड पे, हर जगह का अलग अलग किराया, हमने तो कभी नहीं लिया ऐसे, हम जो किराया होता है वही लेते हैं। अभी यहाँ से कुसुमखेड़ा 10 रुपये चल रहा है, कुसुमखेड़ा का बड़ा किराया 15 रुपये किराया हो गया है, उससे आगे जो किराया था वही किराया है, अभी कोई फालतू किराया बढ़ा नहीं है, किराया बढ़ेगा। बाकी इधर को ये ब्लॉक कटघरिया साइड को बढ़ाया किराया, 5 रुपये बढ़ा, 5 रुपये किराया बस हो गया, जो 15 था वो 20 हुआ है। हाँ क्या पूछिए, क्या कहना चाह रहे हैं भैया? जिस प्रकार आया सुना है क्या रेट है, 2-3-4 रुपये से 5 रुपये तक बढ़ा है, 3-5 रुपये हर स्टैंड का थोड़ा थोड़ा, उसमें हमको कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे ज़्यादा कोई जनता पे भी सवारियों पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, 2-3 रुपये कोई ज़्यादा थोड़े होता है, हर आदमी देना चाहता है, बस वो सुविधा मिले। भाई बात करी जाए जहाँ इंश्योरेंस, देखिए गाड़ी की बात करते हैं तो ये गाड़ी से हमारा कोई बचत या हमारा बैलेंस नहीं बचता है महीने में, कुछ नहीं, सब कितना कमा लेता है ऑटो वाला, गाड़ी की सर्विस बढ़ गई, गाड़ी के पार्ट्स बढ़ गए, डीजल बढ़ गया, तो पेट्रोल बढ़ गया, हर चीज़ में महंगाई है, हमको कहाँ से दे पाएगा आदमी। वही किराया 60 रुपये किराया वही पुराना ही चल रहा है बहुत टाइम से। मेरा नाम भुवन चंद भट्ट। तो हमारा जो भी है इंश्योरेंस है, टैक्स है ना, हर चीज़ के वो बढ़े हुए हैं, बाकी क्या नाम कहते हैं, पुलिस प्रशासन हर जगह चलाने, जहाँ 100 का चलान था वहाँ 500 का चलान है ना, यही बाकी यही है और क्या, हर चीज़ के चलानी है। आपकी आजीविका में बड़े हुए हैं बस हर चीज़ के, ये समझ लो यहाँ से लामाचौड़ तक 5 रुपये बढ़ा है, 15 किलोमीटर है, अभी 30 रुपये किराया है, अब 5 रुपये बढ़ा है, 15 किलोमीटर में 5 रुपये बढ़े हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर 5 रुपये बढ़े हुए हैं, बाकी लोकल किराया वही है 10 रुपया, यही कहना चाहेंगे। योगेश सिंह बिष्ट।
इतनी महंगाई हो रही है, अगर ऑटो वालों के 5-6 रुपये खड़ गए तो कोई ज़्यादा नहीं है। उसके बजाय पूछा बोल के 15 से 20 हो गए, ब्लॉक के 15 से 20 हो गए, 5 रुपये बढ़े। हाँ 5 रुपये बढ़े हैं। और जो लोकल थे वैसे ही है, अब्दुल्ला पेट्रोल पंप अलग वैसे ही है, अब्दुल्ला पेट्रोल पंप का आगे 5 रुपये वहाँ के बढ़े हैं। जैसे अगर 5 रुपये बढ़े हैं, 5 रुपये बढ़ाए हैं तो वो जैसे बढ़ाए हैं उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जैसे महंगाई हो रही है, ऑटो चलाता हूँ मैं भी, जिस तरीके से सामान महंगा मिल रहा है, सब्जियाँ महंगी मिल रही है, दवाइयाँ महंगी मिल रही हैं, अंडा बियर भी महंगा मिल जा रहा है, 10-20 रुपये उसमें ही बढ़ जा रहे हैं, टैक्स है, इंश्योरेंस है, फिटनेस है, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, किसी पे 1000 किसी पे 500। अगर हमारे 5 रुपये बढ़ गए तो कौन से ज़्यादा है? 5 रुपये का सुना है कि आज 5 रुपये आज से बढ़े हैं किराए में, तो 5 रुपये में तो चलो ठीक है, 5 रुपये तो ज़्यादा भी नहीं होता। डीजल इतना महंगा है कि औसत नहीं आ रही, इसमें बहुत दूर तक जाना पड़ता है, ज़्यादा लंबा जाने पर डीजल ज़्यादा खाती है। अब उस हिसाब से 5 रुपये बढ़े हैं तो ठीक है, अभी महंगाई के हिसाब से तो ठीक ही है मेरे हिसाब से। मेरा आरिफ नाम है।